निमेशहर के गेंद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वीर पार्क रोड पर गुरुवार को धनलक्ष्मी ट्रेडर्स नामक दुकान में घुसकर 15 से 20 बदमाशों ने तोड़फोड़ की और दुकान संचालक व उसके पुत्र के साथ लाठी डंडों से मारपीट की है। घटना की सूचना मिलते ही केंद्र पुलिस भी धनलक्ष्मी ट्रेडर्स पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मारपीट की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। घटना में पिता पुत्र और एक कर्मचारी घायल हुआ है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। बताया जा रहा है कि उक्त मारपीट वीर पार्क रोड स्थित दुकानों के विवाद को लेकर हुई है, जो लंबे समय से चला आ रहा है। इस मारपीट के पीछे घायल पक्ष के संतोष रामनानी ने नीमच के नामचीन सफेदपोश नेताओं में वीरेंद्र पाटीदार, ईश्वर सिंह पहलवान, प्यार सिंह चुंडावत, अनिल नागौरी, राकेश भारद्वाज, उनके पुत्र प्रबुद्ध भारद्वाज पर मारपीट करवाने और दुकान खाली करवाने के आरोप लगाए हैं। संतोष रामनानी ने बताया है कि यह दुकानें हमें किसी और से किराए पर ली थी और हम 50 साल से किराएदार हैं। 20 तारीख को एक व्यक्ति शाम की दुकान पर आया था और उसने पिताजी को दुकान खाली करने की धमकी देकर भारद्वाज जी के यहाँ से आना बताया था, और आज जो विवाद हुआ है उसके पीछे भी उपरोक्त लोग ही है, क्योंकि मारपीट के दौरान लोग यह कह रहे थे कि इन सभी को बाहर निकालो और दुकान पर ताले लगा दो। फिलहाल मामले में केंद्र पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और डीवीआर भी जब्त की है। भी आज हम हमारी दुकान पर बैठे थे, कुछ 8-10 लड़के आए, पिताजी से मेरे उन्होंने फोन छीन करके हाथापाई करना चालू करी, तो बीच बचाव में उन्होंने मेरे को मेरी दुकान से घसीट के बाहर निकाल के गला घोटा और मेरे को लोहे की रॉड वगैरह से मारा। मेरा सर फटते फटते बच गया, मैंने बचाया अपने आप को। ये देखिए गर्दन पे निशान, मेरा गला दबा दिया था पूरा। फिर उनमें से एक जने बोला छोड़ दे, मर जाएगा। कितने लोगों ने मारपीट करी, क्या लोग? 10-12 लोग थे और लड़के आए थे, तो युवा चौराहे पर एक गाड़ी में आए थे। घटना के दौरान क्या कह रहे थे और किस बात को लेकर? घटना के दौरान उन्होंने हमारी दुकान का सामान बाहर फेंका और उन्होंने बोला इनको सबको बाहर निकालो और दुकान के ताला लगाओ, इनसे दुकान खाली कराओ। क्या लगता है घटना के पीछे कौन लोग हैं, कौन हो सकते हैं? घटना के पीछे 2-1 वर्ष से कुछ लोग चल रहे हैं, वीरेन पाटीदार, ईश्वर सिंह पहलवान और प्यार सिंह चुंडावत, अनिल नागौरी और प्रबुद्ध भारद्वाज, पिता राकेश भारद्वाज भाजपा नेता के, इन लोगों ने। और अभी 20 तारीख को इन लोगों ने हमारी दुकान पे, इनका एक गुंडा है वो बाजार में घूमता रहता है, वो हमारी दुकान के चक्कर लगाता रहता है। 20 तारीख को शाम को मैं नहीं था दुकान पे, तब 7:45 वो आदमी आकर के मेरे पिताजी को चमका के भी गया कि मैं भारद्वाज के यहाँ से आया हूँ और ये दुकान खाली कर देना। क्या लगता है घटना पूरी तरीके से, कुछ लोगों ने कुछ कहा होगा, जो गुंडा है उन्होंने कुछ कहा इनके? क्या कुछ उन्होंने तो आते ही बस हाथापाई और मारपीट चालू कर दी, दुकान से सामान बाहर फेंका उन्होंने और मुझे घसीट के बाहर ले गए, मुझे पकड़ लिया, पिताजी पे हाथ उठाया। और क्या दुकान का क्या विवाद है, दुकान आपकी है या उन लोगों की, किन लोगों की? क्या दुकान हमारी किराए पे है, किसी और से है? अभी भू माफिया लोग दुकान खाली कराना, जबरन लेना किसी और से, ये सब काम के चक्कर में ऐसा मामला। आप क्या चाहते हैं पुलिस से, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, शहर में जो गुंडा राज चल रहा है बंद किया जाए, हम 50 साल के किराएदार हैं। कौन कौन घायल हुए इसमें, आपको और आपके साथ? मैं, मेरे पिताजी और मेरी दुकान पे एक अम्माल काम करता है वो घायल हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन रामनानी है। ये घटना अभी दोपहर 1 बजे रिपोर्ट हुआ है, जिसमें कि मोहन रामनानी और इनके फादर जो हैं संतोष रामनानी, इनकी एक शॉप है 80 जवाहर नगर में। तो इसमें बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग दुकान में घुसे, उन्होंने मारपीट करी है, कुछ चीज़ों की तोड़फोड़ करी है और वहां से रवाना हो गए। तो इसकी सूचना जैसे ही थाने पर आई है, थाने की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुँची, उन्होंने वहाँ पर इतने भी तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा करने की जरूरत थी उसको इकट्ठा कराया, और इसमें जो है इन्हीं दोनों विक्टिम्स को जो है मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला किस चीज़ का लगता है? ये आपसी रंजिश लग रही है कि इन्हीं दो पक्षों की, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने आकर दुकान में तोड़फोड़ करी, भेजा गया है मेडिकल के लिए, जिसमें कि डॉक्टर ये देखकर बताएंगे कि किस तरीके की चोट है और उसी अकॉर्डिंग फिर जो FIR करी जाएगी इसमें, अगर इसमें एक संज्ञेय अपराध का बोध होता है।